भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कल राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा ने राज्य सरकार पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल होने का आरोप लगाया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा के कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बीच दूरदर्शन समाचार से बातचीत में सांसद सरोज पांडे ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध पर चिंता जताई। उन्होंने राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह विफल है। छत्तीसगढ़ वर्तमान में अपराध का गढ़ बन चुका है। हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो संरक्षण करते हैं महामहिम राज्यपाल जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है। और इस ज्ञापन में जो छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार कानून व्यवस्थाओं को कायम करने में अक्षम है, हम ऐसा मानते हैं। ये लगातार सरकार की विफलता है और इस विषय को ही लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। शिक्षक दिवस के दिन यहाँ पर शिक्षिका के साथ में गैंगरेप हुआ, रक्षाबंधन के पुनीत पर्व पर गैंगरेप हुआ, ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थितियाँ हैं। और प्रतिदिन 2 से 3 बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में सुनाई पड़ती हैं। कानून है कहाँ, व्यवस्था है कहाँ, बार बार भारतीय जनता पार्टी से पूछती है और इसी को विषयों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा आगामी 12 सितंबर से जशपुर और दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी।